नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्लास नंबर 7th की ओर आगे बढ़ते हैं और ये एपिसोड है, ये क्लास है आपका, देखिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो चालक, कुचालक और अर्धचालक है ना, इसका भाग नंबर 2nd, यानी कि आज के क्लास में हम 21st नंबर से 40 नंबर तक क्वेश्चनों का सामना करने वाले हैं। हर क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का है, टॉप लेवल का है, बेहतरीन लेवल का है। तो ध्यान से देखिएगा पूरे क्लास को। अगर पीजीसीएल जैसे बड़े इम्तिहान को क्रैक करके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा भी आप इलेक्ट्रीशियन से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके पर्पज से भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों का दोबारा मैं स्वागत करता हूँ जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, और जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से हैं उनको पता है कि किस लेवल का, किस टॉप लेवल का कंटेंट हमारे इस चैनल में मिलता है। ये चैनल मेरा नहीं, ये चैनल हम सब का है। हम सबको मिल करके इस चैनल को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ जुड़े रहिएगा है ना, और दिल का इमोजी सबसे पहले भेजिएगा है ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो इस क्लास में, इस पैनल्स में जो भी मैं लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बोलूंगा, मतलब लिखाऊंगा जो, उस सब का पीडीएफ आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, निमी टेक्निकल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा है ना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पर मैं बिल्कुल छाप दूंगा इसका लिंक, उसको टच कीजिएगा और डायरेक्ट आप जंप कर जाइएगा हमारे इस चैनल में है ना। वहां पर आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ। तो चलिए लेकर के भोले शंकर का नाम और अपने इस आज के क्लास के प्रश्नों का सामना करने की शुरुआत जो है उसको हम करते हैं। ये जो कलम आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कलम की क्रांति, कलम से क्रांति आपको करना है और ये कलम आपका भविष्य लिखेगा है ना। आपका भविष्य ये कलम लिखेगी और आपकी ताकत तय करेगी, आपकी मेहनत तय करेगी कि ये कलम कैसा चलेगा है ना। तो चलिए देखते हैं और आजमाते हैं कि क्वेश्चनों का जो आंसर है ना वो क्या होने वाला है, और आजमाते हैं कि आप देखिए, आपको क्वेश्चन का आंसर अगर पता है ना मेरे भाई तो आप कमेंट में उसको भेजिएगा जरूर। अपना क्वेश्चन अपने तक समेट के रखना ये गलत बात है यार, ये बहुत ही गलत बात है ना। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन बाई लैंग्वेज है ना। क्वेश्चन है कि विच क्लास ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर माइका माइका एस्बेस्टस फाइबर ग्लास, यानी कि अभ्रक, एस्बेस्टर, फाइबर ग्लास किस वर्ग के विसंवाहक पदार्थ हैं है ना। विसंवाहक का मतलब क्या होता है वो सुनिए, तो इसका मतलब होता है कुचालक, इसका मतलब क्या होता है कुचालक पदार्थ है ना। तो इसको किस क्लास की कुचालक के श्रेणी में रखा गया है, वो है आपका क्लास बी, जो कि 130 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है तापमान सहनशीलता है ना। इस तापमान सहनशीलता का क्लासिफिकेशन है ना इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई 1271 1958, ये एक क्या है, ये एक एक्ट है, इस एक्ट से किया गया है ना। चाहे तो आप इस पे जा करके आप देख भी सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से मिलेगा है ना, लेकिन जरूरी नहीं है ठीक है ना। सूती, टेप, कागज आदि जैसे इंसुलेटर पदार्थ के संसेचन का क्या उद्देश्य होता है, संसेचन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि मान लीजिए कोई गैस पाइपलाइन है ना, मान लीजिए कि कोई गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है और पाइप से गैस जा रही है ना। मान लीजिए कहीं पर दो पाइपों का ज्वाइंट है, वहां से गैस लीकेज हो रही है, तो आपको क्या करना होता है कि जो चूड़ी बनी होती है थ्रेड ना, उस पर एक टेप लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो एयर है, जो गैस है, वो लीकेज होने से बच जाती है। वही कह रहा है कि क्या उद्देश्य है, उद्देश्य मतलब कि पदार्थ के सतह को आच्छादित करना, वायु कोटरिका को तेल से भरना, ताप की सीमा को बढ़ाना या नमी युक्त बनाना। तो पदार्थ के सतह को आच्छादित करना या वायु कोटरिका को तेल से भरना है ना, क्या होगा,
सूती कपड़ा कागज, संसेचन का मतलब यही होता है, संसेचन का मतलब ये होता है तेल से भरना, है ना, वायु कोटरिका तेल से भरना। जैसे कि एयर अगर लीकेज हो रही है ना, एयर अगर लीकेज हो रही, आपने देखा होगा कि जब मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं, है ना, तो जो मोटर का रिवाइंडिंग या फैन में तो ऐसा नहीं होता, मोटर का जब रिवाइंडिंग किया जाता है तो क्वाइल जो उसकी होती है, उस क्वाइल में एक कपड़े को लपेटा जाता है और लपेट करके उसमें से एक तेल वार्निश उसमें से डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि मोटर जब आपकी चले तो वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब जैसे ये टर्न्स हैं, है ना, तो इन दोनों टर्न्स के बीच में क्या है, गैप है, एयर है। जब मोटर को लोड पड़ेगा तो ये जो क्वाइल है ये वाइब्रेट करेगा, हंट करेगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको अब सेंसेशन कर देंगे तो ये जो गैप है ये तेल से भर जाएगी। अब बातें आपको मेरी समझ में आ गई होगी, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जिसको हिंदी समझ में आता है बिल्कुल हिंदी को ध्यान दें, इंग्लिश समझ में आता है इंग्लिश को ध्यान दें। सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन को लाया गया है, है ना, और सेशन को शेयर मेरे भाई जरूर करना, लाइक कर देना यार, लाइक बहुत कम मिलता है, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, है ना, चैनल को भेजिएगा दूसरे विद्यार्थियों तक, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपना नॉलेज, मतलब कि नॉलेज बढ़ाएं, है ना, तैयारी के प्रति नॉलेज बढ़ाना बहुत जरूरी है। फिर है नेक्स्ट कि इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज लेस देन 4 देन इट इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यदि किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है, याद रखिएगा 4 से कम कह रहा है, 4 से अधिक नहीं, 4 से कम है, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगी। देखिए, अगर कोई कुचालक पदार्थ है ना, कोई कुचालक पदार्थ है उसका भी बताऊंगा, कोई अर्धचालक पदार्थ है उसका भी बताऊंगा, और कोई शुद्ध चालक है उसका भी बताऊंगा, है ना, शुद्ध चालक, यानी कि एक तीर पर तीन तीन निशाना, है ना, तीन तीन शिकार करने वाले। कुचालक में कितना होता है, तो कुचालक में देखिए होता है आपका 4 से, यानी कि यूं समझिए कि 6 से अधिक, कितना होता है 6 से अधिक, है ना, और इसमें होता है 4 5 6 4 5 6, यानी कि 6 आ जाएगा, 6 से अधिक तो कुचालक बन जाएगा, है ना। शुद्ध चालक में कितना होता है 1 2 3, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि कुचालक का देखिए कोई हो गया एक एटम, है ना, ये एक एटम है, इसके मान लीजिए एक एटम है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अगर 6 से अधिक हो जाएगी 2 3 4 5 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपस में क्या करेंगे मेरे भाई, ये आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, जिसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध है। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपस में जकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो नहीं पाएंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन मेरे भाई फ्री नहीं होंगे, इसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इसीलिए कुचालक सामग्री से कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कुचालक सुचालक, क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी सुचालक इज करेक्ट आंसर, है ना। चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, क्योंकि इतना आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना, और बहुत अच्छी तरह से आ रही होंगी, है ना। अगला है कि इफ़ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए बैड कंडक्टर्स देन ऑन ऑफ इट प्रॉपर्टीज विल बी, है ना, यदि किसी पदार्थ को कुचालक नहीं, यहाँ पर सुचालक होगा, यहाँ पर क्या होगा, सुचालक, है ना, सुचालक कहा जाता है, तो इसका एक गुणधर्म है कि विद्युत के प्रयोग में वृद्धि, यानी कि अगर सुचालक है, धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, तो फिर यदि कॉपर का तार है तो फिर क्या बना सकते हैं आप, वाइंडिंग बना सकते हैं, वायरिंग के लिए काम में ले सकते हैं, है ना, हर जगह काम में ले सकते हैं आप, है ना। कॉन्स्टेंट सब्सटेंस इज हु एलॉय, कॉन्स्टेंट पदार्थ किसका मिश्रण है, ये तांबा का, किसका है, ये तांबा का होता है और निकल का होता है, लेकिन इसमें देखिए जो तांबा है वो होता है आपका 55% और इसकी मात्रा होती है 45%, मिलकर के 100% हो गया, है ना। आपको पता है, क्या पता है कि जो तांबा है इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह अधिक होता है, है ना,
इसमें क्या होगा मेरे भाई, धारा का प्रवाह अधिक होता है, यानी कि धारा का प्रवाह आसान तरीके से हो जाता है, इसीलिए हमने कॉपर मिलाया। और निकल किस लिए मिलाया मेरे भाई, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो निकल हमने क्या, इसकी बाहरी यानी कि एक्सटर्नल बाहरी ताकत बढ़ाने के लिए, बाहरी ताकत बढ़ाने के लिए है ना, यानी कि तार के अंदर एक स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, यानी कि तार टूटना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कांस्टेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका प्रतिरोध बनाने के लिए, जैसे कि रियोस्टेट आपने देखा होगा ना, रियोस्टेट किससे बना होता है, कांस्टेंट से। अगला, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटलिक कंडक्टर, मेटलिक कंडक्टर इज ड्यू टू विच पार्टिकल्स, किस धात्विक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का बहाव किस कण के कारण होता है, किसी धात्विक कण में। देखिए धातु यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के होंगे, तो पदार्थ टोटल तीन प्रकार के होते हैं, है ना, पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। देखिएगा पदार्थ टोटल तीन प्रकार के हो गए, है ना। पहला क्या है, ठोस। तो ठोस में क्या आ गया, मान लीजिए कि धातु, है ना, ठोस में क्या आ गया, धातु। तो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है वो चीज जानिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन जो द्रव है इसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो आयंस के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, आयंस के कारण। आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा ऋणायन, है ना, तो इनके कारण धारा का प्रवाह। और तीसरा पदार्थ क्या है, तीसरा सब्सटेंस है गैस, और गैस में देखिए होता है आपका आयंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आयंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी के साथ में एक होता है सेमीकंडक्टर, लिखेगा अर्धचालक, है ना, एक होता है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है देखिए होल्स के कारण, किसके कारण, होल प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, इसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह। तो धात्विक कंडक्टर में किसके कारण, केवल प्रोटॉन्स के कारण नहीं, ये किसके कारण होगा, केवल प्रोटॉन्स, केवल न्यूट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इस केवल किसके कारण होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, है ना। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 26, 27 नंबर का क्वेश्चन है ना। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे लेवल का है, और ये टॉपिक ही आपका ऐसा है कि यहाँ से आसान आसान क्वेश्चन जनरेट होते हैं, आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब देखिए, अगर आप डीएमआरसी का एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां पर देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, वहां पर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, है ना। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आप PGCIL की या UPPCL की, है ना, या मध्य प्रदेश की TO की, या फिर DMRC, ISRO, DRDO, SEL, किसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं, है ना। SEL की वैकेंसी खड़ी है, PGCIL की वैकेंसी खड़ी है, आज उसका एक्सपायरी डेट हो गया फॉर्म अप्लाई करने का, है ना। SEL, PGCIL, इसके बाद देखिए कुछ महीने पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वैकेंसी आया था, और फिर आया आपका NPCIL की वैकेंसी आने वाली है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है तीनों प्लांट की वैकेंसी आ चुकी है, तीनों प्लांट की वैकेंसी, है ना। सेल की अलग से, PGCIL की ग्रिड स्टेशन की अलग से आई है वैकेंसी, और आपकी नेवी में वैकेंसी आई है, है ना, हर जगह वैकेंसी आई, वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है ना, तो आप चाहे तो किसी भी वैकेंसी में अपना एक सीट जो है ना वो कवर कर सकते हैं, है ना, अपना एक सीट क्या है, कवर कर सकते हैं। आपको मालूम है ना यार कि देखो, ये जो पॉलिटिक्स होता है, ये जो नेता विधायक लोग मंत्री लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना सीट पाने के लिए ना ये अपने पीछे का पूरा ताकत लगा देते हैं ना, दिन रात एक कर देते हैं, ठीक है ना, ये अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। देश की सेवा तो कौन कितना करता है ये तो हर किसी को ही पता है, है ना, लेकिन कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं वो, कितनी भी अपनी ताकत लगा देते हैं। बस वही काम आपको भी करना है, आपको नेता बनना है, लेकिन उस टाइप का नेता नहीं बनना है, आपको इस टाइप का नेता बनना है, नौकरी पाने के लिए नेता बनना है, और दिन रात क्या करना है, एक कर देना है, ठीक है। चलिए, हाजिर है आपके लिए नया क्वेश्चन, कि इफ द रेजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ कॉपर इज फर्स्ट, देन व्हाट विल बी द रिलेटिव रेजिस्टिविटी, है ना, विच कॉपर इज
सॉरी वेन कॉपर इज कंप्रेस्ड विच एल्यूमिनियम, यदि कॉपर का रेजिस्टिविटी मान एक है तो तांबे के एल्यूमिनियम से तुलना करने पर संबंधित रेजिस्टिविटी क्या होगा। इस डेटा को ना आप याद कर ही लो यार, क्योंकि कुछ डेटा ऐसे हैं जो आपको याद करने में ही भलाई है, ठीक है ना। इसका चाहे तो मैं पूरा आपको थ्योरी दे सकता हूँ पूरा प्रूफ के साथ कैसे आया 1.6, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। अगला है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ये है एल्यूमिनियम का, ये किसका है, एल्यूमिना का, एल्यूमिना का होता है 13 और कॉपर का होता है 29। वहीं पर अगला है ए कॉपर वायर हुज करंट कैरिंग है ना, करंट कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ अनदर कॉपर वायर हैविंग द डायमीटर, है ना। कहने का मतलब क्या है इनका, कॉपर की एक तार है, ध्यान से सुनना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगी, है ना। कॉपर की एक तार है जिसकी धारा वहन करने की क्षमता कॉपर के अन्य दो गुना व्यास वाले तार से कितना होगा, है ना। अब क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया, क्वेश्चन क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, आपको समझा रहा हूं। रो बराबर क्या होती है, R इंटू ए बटा एल, है ना। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ए क्या है, तार का क्षेत्रफल है, डायमीटर है ना, तार का क्या है, क्षेत्रफल डायमीटर है। ए बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। ये जो आर है ना, इसको इन्होंने क्या कर दिया, दो गुना व्यास का कर दिया। व्यास क्या है, डायमीटर है, व्यास क्या है, डायमीटर। और ए अगर डायमीटर बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा, है ना, बात सेम ही है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना, त्रिज्या। तो ए अगर देखिए एरिया निकालते हैं, पाई का मान अगर एक हम मान लिए और इसको इन्होंने क्या कर दिया, दो गुना कर दिया, है ना, टू का स्क्वायर कीजिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए गुणे चार, तो ए बराबर कितना हो गया, चार, कितना हो गया, चार। एरिया कितना मिल गया आपको, चार। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉपर के अन्य दो गुना व्यास, यानी कि एक कॉपर है और जो दूसरा तार है पहले वाले तार का, दूसरा वाला तार दो गुना मोटाई का है। अगर एक कॉन्सेप्ट लिखेगा, एक कॉन्सेप्ट लिखेगा, तार की अगर मोटाई बढ़ती है तो फिर क्या होगा, इसमें जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और तार की मोटाई कम होती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, है ना। प्रतिरोध देखिए, तार की मोटाई अधिक होने का मतलब प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम का मतलब कि धारा वहन जो क्षमता है ये अधिक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। कितना अधिक होगी, तो चार गुना अधिक होगी, कितना अधिक होगी, चार गुना। क्यों, क्योंकि पहले वाला कितना मोटा है, दो गुना व्यास का है, तो दो गुना व्यास का है इसका मतलब कि प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है तो मतलब क्या होगा कि धारा का प्रवाह अधिक होगा, अधिक कितना होगा, तो चार गुना होगा, है ना, कितना होगा, चार गुना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके साथ है, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए मटेरियल, निम्नलिखित में से कौन किसी पदार्थ के माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोकता है, सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल यहां पर इंसुलेटर भी हो सकता है, यहां पर कंडक्टर भी हो सकता है, इसलिए यहां से आप इसका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते। रोधक सामग्री, विद्युत सामग्री तो खुद कह रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह, गैस में भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मैंने अभी अभी बताया, तो रोधक सामग्री यानी कि इंसुलेटर इज करेक्ट आंसर, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्यूशन दे रहा हूं, इसका एनालाइज दे रहा हूं, है ना। आप भी ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कीजिएगा इस क्लास को, है ना, और शेयर करके एक लाइक वाले बटन को ना आप जरूर दबाइएगा, है ना। एक लाइक का बटन जब आप दबाएंगे ना तो मैं यहां से चार्ज होऊंगा, मोटिवेशन होऊंगा, और मोटिवेशनल इंसान कुछ भी कर सकता है भाई साहब, ठीक है ना। फिर है, फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम वायर, है ना, एल्यूमिनियम वायर कंपेयर टू ए कॉपर वायर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल, यानी कि एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक तांबे के तार की तुलना में एक एल्यूमिनियम तार का वजन कितना होता है, है ना। आप कैसे इसको करेंगे, तो इसको याद भी करिएगा, 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं क्या, कि जो देखिए जो तांबा होता है ना, तांबा का घनत्व कितना होता है, तांबा का घनत्व होता है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ध्यान से सुनिए। और जो आपका एल्यूमिनियम होता है ना,
एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है, तो इसको भी लिखेगा, इसका होता है 2.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका होता है 8.90 ग्राम, है ना, बस 9 मैं लिख दिया हूं, ये हो गया ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जिसका घनत्व ज्यादा होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है ना, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होता है, द्रव्यमान किसका, द्रव्यमान का मतलब क्या है, भार, भार ज्यादा होता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम का घनत्व कम है तो इसका भार कम होगा, कितना कम होगा, 50% कम होगा, है ना। इसका भी एक थ्योरी है, पूरा न्यूमेरिकल थ्योरी है, जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो पूरा इसका आंसर 1. क्या कहते हैं कि इसका पूरा आंसर 0.1 नहीं 50% ही आती है, है ना। फिर है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर, कुचालक पदार्थ की परावैद्युत शक्ति क्या है। पिछले वाले क्लास को आप जरूर देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इतना अच्छे तरीके से मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है ना कि मजा ही आ जाएगा आपको सुन करके, है ना। वह अधिकतम विद्युत शक्ति जो एक पदार्थ से पारित हो सकती है, नहीं पारित अगर हो जाएगी तो वो कंडक्टर कहलाएगी ना, ये क्या कह रहा है, कुचालक। वह न्यूनतम वोल्टेज जो एक पदार्थ को खराब कर सकती है, अगर न्यूनतम वोल्टेज ही पदार्थ को खराब कर देगी तो फिर कोई मटेरियल क्या हुआ। अधिकतम किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है, यही कहलाता है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शॉर्ट में डैश भी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि एक कोई केबल है, उसके 1 mm सतह जो है वो अगर जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, है ना, सुनिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक तार है ना, ये एक क्या है, तार है, इसमें देखिए इसका जो सतह है 1 mm, मान लीजिए कोई एक सतह है उसका साइज है 1 mm, इस 1 mm यानी कि इस तार में अगर आप 200 किलो वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो 200 किलो वोल्ट को 1 mm की सतह उसको रोक सकता है। अगर वो रोक लेता है तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, अगर नहीं रोक पाता है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो वो कंडक्टर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंडक्टर। फिर उसमें से धारा का प्रवाह होने लगेगा, है ना, ये बात होती है, है ना। द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑलमोस्ट जीरो, किस में होता है जीरो, तो ये देखिए मैग्नीन में होती है जीरो, कितना होती है, इसमें देखिए होता है अल्फा का मान होता है 0.000025, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, ये होती है अल्फा का मान। तो देखिएगा मैग्नीन का प्रयोग बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, संट बनाने के लिए, है ना, संट बनाने के लिए, क्योंकि इसकी अल्फा का मान बहुत कम होता है। देखिए संट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जो एम्पियर मीटर होती है, जो एम्पियर मीटर होती है इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में, है ना, किसमें, समांतर में, जैसे कि आपका यह है एक एम्पियर मीटर, ये क्या है, एम्पियर मीटर, इसका रेंज बनाना है, बढ़ाना है तो समांतर क्रम में आपको क्या लगाना होता है, एक संट, ये क्या है, तो ये है दोस्तों आपका संट, है ना, ये क्या है, संट। तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, मैग्नीज इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीज नहीं मैग्नीन, मैग्नीन हो गया, है ना, आंसर मैग्नीन होगा, मैग्नीज नहीं, है ना। अगला है कि विद्युत कार्य के लिए विनिर्देश सीपीडब्ल्यूडी क्या है, सीपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, वर्क्स डिपार्टमेंट, यह इसका पूरा नाम, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 2013 के अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 होती है, है ना, 105 होती है। तो देखिए 105 किसकी होगी, देखिए ए का हो, सॉरी वाई का कितना होता है, वाई का 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ए का होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ई का होता है आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाई ए ई बी, बी का होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, क्या पूछा है, 105 किसका होगा, ए का होगा, 105 किसका होगा, ए का होगा। ये बॉयफ्रेंड है चालू, चलिए इसको पूरा ही कर देते हैं, ये बॉयफ्रेंड है चालू, है ना। एफ का कितना हो गया, 150 से 100
155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच का होता है 180 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी का होता है 200 220 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ऑप्शन में दिखे वही आप उसको उसी को ठोकिएगा करेक्ट आंसर, है ना। ये हो गया। अब ये बॉयफ्रेंड है चालू, है ना, ये बॉयफ्रेंड बहुत चालू है, इसका एक ट्रिक बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नाइक्रोम की तापी चालकता कितनी होती है, 10.9 50 11.3, है ना, 11.9 वाट मीटर प्रति वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी प्रति कूलाम, प्रति क्या है, कूलाम। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट आंसर है। और इस डाटा को आप याद रखिएगा, है ना, इस डाटा को आप याद रखिएगा, और इसका पूरा डिटेल्स भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो आपके काम की चीज नहीं है, ना, इसको बीटेक में पढ़ाया जाता है ज्यादा इसका डिटेल्स, ठीक है ना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, किसमें होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में होता है, और इलेक्ट्रोलाइट का आप इस्तेमाल कहां पर करते हैं, बैटरी में करते हैं, दो प्लेटों के बीच में, है ना। वेन द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंक्रीज, वो कौन सा पदार्थ है, विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ने पर, तापमान यानी कि टेम्परेचर, अगर आप तापमान को बढ़ा रहे हैं, है ना, तो फिर एलॉय पदार्थ का प्रतिरोध अत्यधिक रूप से बढ़ेगा, गलत बात है, मैग्नीज का गलत बात है, अभ्रक का प्रतिरोध अनियमित रूप से घटता है, यानी कि आर का मान घट रहा है, आर का मान घट रहा है, यह क्या कहलाएगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आर का मान घट रहा है, यानी कि यह क्या है, एनटीसी, ये क्या है आपका एनटीसी, अभ्रक का प्रतिरोध अनियमित रूप से क्या होता है, घटता है। अभ्रक क्या है, अभ्रक देखिए, अभ्रक क्या है, अभ्रक एक प्रकार का इंसुलेटर है, है ना, सॉरी इंसुलेटर है, तो फिर हाँ एनटीसी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इफेक्ट ऑफ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से वृद्धि करने से निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने पर सही प्रभाव है, कुचालक पदार्थ में प्रतिरोध में वृद्धि, या शुद्ध धात्विक पदार्थ में प्रतिरोध में वृद्धि, क्या होगा, शुद्ध धात्विक पदार्थ में, क्योंकि ये पीटीसी है, क्या बोल रहा है, तापमान में वृद्धि करने से प्रतिरोध में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पीटीसी हो गया, और शुद्ध चालक में पीटीसी ही नेचर होती है, है ना। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी पोटेंशियल पोटेंशियल इस कंडक्टर इन कंडक्टर, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। वैसे तो देखिए जो कुचालक सामग्री होती है, मैं आपको याद दिला दूं कि जो कुचालक सामग्री होती है ना, उसमें एनर्जी गैप जो होता है ना, वो एनर्जी गैप का मतलब फॉरबिडन बैंड का जो ये एरिया होता है, है ना, ये एरिया क्या कहलाएगा, वैलेंसी बैंड, और ये एरिया कहलाएगी आपका फॉरबिडन बैंड, और ये वाली एरिया कहलाएगी आपका कंडक्शन बैंड। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएंगे वैलेंसी बैंड से, ना, तब तक धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, चाहे कुछ कर लीजिए। तो कुचालक में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक इसमें क्या होता है, ऊर्जा अंतराल होता है, और इसमें देखिए अनंत होता है, अनंत हम लिखेंगे, अगर अनंत नहीं रहता तो उच्च लिखते, क्योंकि देख रहे हैं फॉरबिडन बैंड का गैप जो है ना बहुत ज़्यादा है, वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाते हैं, इसीलिए कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं पाता है, है ना। लास्ट है कि इंसुलेशन का पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू यूनिट लेस नंबर होता है, क्यों, यूनिटलेस नंबर होता है, क्यों, यूनिटलेस नंबर होगा ही, जैसे कि मान लीजिए कोई कुचालक सामग्री है, है ना, जैसे कि माइका, क्या हो गया, जैसे कि माइका हो गया, और माइका के साथ में आपका समझिए कागज हो गया, माइका के साथ में कागज हो गया, इनका देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू किस में होती है, किलो वोल्ट प्रति एमएम में, है ना, इसका भी होगा किलो वोल्ट प्रति एमएम में। अब ये आपस में तो कट-कुट आ गए ना, तो बचा क्या, कुछ नहीं, यानी कि जो अनुपात होता है, नोट करिए यहां पर, जो अनुपात होता है ना, अनुपात का कोई इकाई नहीं होती है, है ना, इसका कोई इकाई नहीं होती है, रेशियो का कोई इकाई नहीं होता है, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा कि यह दो वोल्टेज मान का अनुपात है, गलत, यह दो इंसुलेशन मान के अनुपात हैं, गलत, यह दो यूनिटलेस नंबरों का अनुपात होता है, हाँ
आंसर नंबर डी, सॉरी सी इसका सही होगा, यह दो यूनिटलेस नंबरों का रेशियो होता है ना, ये रहा। तो चलिए टोटल देखिए क्वेश्चन हो गए 40 है ना, टोटल क्वेश्चन हो गए 40 है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप किस कंपटीशन एग्जाम में तबाही मचाना चाहते हैं, क्या वो PGCIL है, क्या वो सेल है ना, क्या वो NPCIL है, या फिर UPPCL है, UPRVNL है ना, आप बताइएगा जरूर। आप किस स्टेट से देख रहे हैं इस क्लास को है ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो है ना, मध्य प्रदेश की इस पावन इस सुनहरी धरती से आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद है ना, दिल से थैंक यू है कि आपने इस क्लास को पूरा देखा। इसका अर्थ एक ही निकलता है, इसका तात्पर्य केवल एक ही निकलता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं अपने इस सपनों के प्रति, अपने इस लगन और संघर्ष के प्रति। दोस्तों संघर्ष ना, जीवन खुद एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में ना जब तक आप खुद स्वयं हार नहीं मानते ना, कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता है ना। इंसान टूटता है, इंसान रूठता है, और इंसान गिरता है ना तो खुद की कमियों की वजह से है ना। क्या मजाल कि कोई दूसरा इंसान आपको रुला दे, इंसान रोता है तो खुद की कमी की वजह से, ठीक है ना, ये बात है। तो आप अपने अंदर कमी मत होने दीजिए, और बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका मेहनत आपके साथ है ना, आपका मेहनत आपके साथ है, और मेहनत जो है ना वो जरूर एक ना एक दिन रंग लाती है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को शेयर वेयर जरूर कर दीजिएगा है ना, एक थम्स अप का बटन दबाते दबाते ही जाइए, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, फिर से लौट करके आइएगा इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इस शानदार से सॉल्यूशन वाली क्लास में है ना। तो मिलते हैं एक नए शानदार से सेशन में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।